हेलो एवरीवन, आज मैं बताने वाली हूँ मशरूम मटर की सब्जी जो बहुत ही टेस्टी लगती है और वो मसाले वाली सब्जी है तो बहुत ही अच्छी लगती है। इसे आप रोटी के साथ या चावल के साथ भी खा सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये मैं इधर ली हूँ मशरूम, इसे मैं कट कर ली हूँ बीच से 4 भागों में और साफ़ कर ली थी अच्छे से। और ये मैं मटर ली हूँ तो इसे मैं छील ली थी मटर को और साफ़ कर ली हूँ, एक बार धुल ली हूँ अच्छे पानी से। और ये मैं इधर प्याज ली हूँ, इधर मैं 5 प्याज ली थी उसे मैं कट कर ली हूँ। और ये टमाटर ली हूँ मैं, 3 टमाटर थे तो उसे मैंने ऐसा छोटे पीसेस में कट कर लिए। और ये मैं ली हूँ 3 मिर्च, अदरक और लहसुन। ये मैं बड़े बड़े इसलिए कट की हूँ क्योंकि मुझे एक पेस्ट बनाना है। और ये मैं मलाई ली हूँ, ये आप अगर फ्रेश क्रीम भी ले सकते हो इसकी जगह। और ये मैं ली हूँ धनिया और मिर्च, सॉरी नमक, आप जितना नमक खाते हो उसके हिसाब से। और ये ली हूँ मैं जीरा पाउडर और हल्दी। इधर ली हूँ मैं कसूरी मेथी, इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है तो इसको मैं तवे पे रोस्ट कर ली थी थोड़ा सा। और ये ली हूँ मैं सौंफ, जीरा, राई। और ये मैं ली हूँ इधर थोड़ा सा गरम मसाला। और ये हरा धनिया ली हूँ मैं लास्ट में डालने के लिए और ऑयल। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे फ्रेंड्स, ये जो मशरूम है इनको हम उबालेंगे। तो थोड़ा सा हम रख दिए एक साइड उबालने के लिए और इधर मैं पैन चढ़ा दी हूँ। तो इसमें हम पहले थोड़ा सा तेल डालेंगे और ये मैं सब डाल दूँगी, टमाटर, प्याज और अदरक, लहसुन, मिर्च को डाल के हम थोड़ा सा इसे भुनेंगे। तो ज़्यादा हमें नहीं भुनना है, अभी ऐसे ही थोड़ा सा भुनेंगे तो थोड़ा ढक देंगे जिससे हम क्या होगा जल्दी से भुन जाएगा। और अच्छा, इधर हम काजू भी डालेंगे, ये ऑप्शनल है काजू, अगर आप नहीं डालना चाहोगे तो नहीं डालो, ये मैं दिखाना भूल गई थी आपको। तो ये भी मैं डाल रही हूँ इसमें, इससे क्या होता है ग्रेवी बहुत ही अच्छी हमारी ग्रेवी बनती है। इधर मैंने तेल थोड़ा सा ज़्यादा लिया है क्योंकि हम मसाला जो पेस्ट है उसको हम अच्छे से भूनेंगे। तो जब हमारा गर्म हो जाएगा मसाला, सॉरी ऑयल, तो उसमें हम डाल देंगे जीरा, राई, सौंफ को। उसको तड़कने के बाद ये हम जो प्याज और टमाटर का था पेस्ट उसको मैंने पीस लिया था तो वही पेस्ट बना लिए। उसको अब हम डाल के अच्छे से भुनेंगे। इधर हमको गैस को मीडियम फ्लेम पे ही करना है, ज़्यादा हाई पे नहीं करना, नहीं तो क्या होगा जल जाएगा हमारा जो ये पेस्ट है। तो इधर हम अच्छे से इसे चलाएंगे, थोड़ा सा ढक देंगे जिससे क्या होगा जल्दी से हो जाएगा, हमारा मसाला जल्दी पक जाएगा। अब इसमें हम डाल देंगे कुछ सूखे मसाले। तो इधर मैं डाल रही हूँ नमक, हल्दी और ये गरम मसाला, सॉरी जीरा पाउडर। और डाली हूँ मैं इसमें धनिया पाउडर और इसे भी हम अच्छे से भूनेंगे। इसमें डाल देंगे तो उससे क्या होगा कि हमारा भुन जाएगा अच्छे से। और ये ढकने के बाद मैं इसे बीच बीच में ऐसा चलाती रहूँगी ढक ढक के, क्योंकि क्या होता है ऐसा में बहुत अच्छे से पक जाता है मसाला जो हमारा रहता है। और ये तो ये आप देख रहे हो कि भुन गया है, साइड साइड में ऐसा ऑयल सा छोड़ रहा है। तो ये देखिए अच्छे से भुन गया हमारा जो पेस्ट था। अब इसमें हम डाल देंगे मटर, तो मटर को भी हम थोड़ा सा भूनेंगे, ढक देंगे जिससे हमारा मटर जल्दी से सॉफ्ट हो जाएगा। तो ये अब हम चेक कर लेते हैं, तो हमारे मटर भी हो गए हैं। तो हो गए हैं हमारे मटर भी, मैंने चेक कर लिया है एक मटर खा के। अब उसके बाद डाल देते हैं हम मशरूम। तो मशरूम को हम थोड़ा ही सा बॉईल किए थे, ज़्यादा नहीं, तो इसको भी हम मिला के अच्छे से चला देंगे। और ये मैं डाल दी हूँ लास्ट में गरम मसाला और ये जो कसूरी मेथी थी वो भी डाल दिए हैं। अब इसको हम भुनेंगे अच्छे से, मतलब मिलाएंगे अच्छे से मसाला जिससे
लग जाए मशरूम में भी। और इसको हम थोड़ा सा फिर से ढक देंगे। तो ये देखिए, और इसे हम फिर वापस चला देंगे। और इसमें हम वही वाला पानी डालेंगे जो मैं उबाली थी मशरूम को, तो वही वाला पानी हम इसमें ऐड करेंगे। अगर आप ऐसे भी खाना चाहते हो तो ऐसे भी खा सकते हो, बहुत ही टेस्टी लगेगा ऐसा सूखा ड्राई। लेकिन मैं इसको थोड़ा सा ग्रेवी वाला बनाने वाली हूँ, तो ग्रेवी वाला भी बहुत अच्छा लगता है। तो इसको हम क्या करेंगे, ढक दिए हैं जिससे क्या होगा कि थोड़ा सा भुन जाएगा हमारा मशरूम भी। और ये पानी जो मैं उबाली थी वही वाला पानी है। तो ये देखिए, मैं इतना पानी डाल दी हूँ इसमें। अब इसको हम ढक देंगे। इसमें अभी मलाई डाल दूंगी मैं। आप इसकी जगह जो क्रीम आता है मार्केट में फ्रेश क्रीम, वो भी ले सकते हो। अब इसको अच्छे से मिलाने के बाद इसे हम ढक देंगे। तो ये देखिए, जो हमारी सब्जी है वो रेडी हो गई है फ्रेंड्स। अब इसमें हम लास्ट में डाल देंगे हरा धनिया। और ये हमारी जो सब्जी है मसाले वाली, मटर मशरूम की सब्जी रेडी हो गई है। तो फ्रेंड्स, आप भी बनाइए और कमेंट्स करके बताइए कि आपकी कैसी बनी हुई है और मेरी रेसिपी कैसी लगी आप लोगों को। तो ओके फ्रेंड्स, बाय, टेक केयर।